वर्ल्ड कप के चलते बढ़ी सुरक्षा व्यवस्था, शहीद पथ पर बड़े वाहनों पर लगी रोक, ट्रैफिक सुरक्षा के चलते लिया गया फैसला। मौर्य महासभा ने थाना प्रभारी को दी तहरीर, कहा स्वामी प्रसाद को गोली मारने वाले पर 25 करोड़ का इनाम। श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति दल की वार्षिक बैठक, अयोध्या धाम के तपस्वी छावनी में की गई बैठक, कई मुद्दों को लेकर की गई बातचीत। कृषि विभाग ने पराली जलाने को रोकने के लिए की तैयारियां, पराली जलाने पर होगी कार्रवाई, पराली जलाने वालों पर लगेगा जुर्माना। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। लखनऊ में ज्वाइंट सीपी कानून व्यवस्था उपेंद्र कुशवाहा अग्रवाल ने बयान देते हुए कहा कि 29 अक्टूबर को भारत इंग्लैंड के बीच वर्ल्ड कप का मैच खेला जाएगा और इस मैच के सभी टिकट बिक चुके हैं। वहीं वर्ल्ड कप मैच को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं और 3,800 पुलिसकर्मी लगाए गए हैं। बता दें शहीद पथ पर बड़े वाहनों और कमर्शियल वाहनों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। वहीं इस दौरान उपेंद्र कुशवाहा अग्रवाल ने बिना किसी जरूरी काम के शहीद पथ पर ना जाने की सलाह दी है। उबर और जो भी और किराए के वाहन हो गए, मान लीजिए कई लोग हैं टैक्सी बुक करके आ रहे हैं, इनमें ऐसा सच कोई प्रतिबंध नहीं है, शहीद पथ पे आराम से जा सकते हैं। प्रतिबंध सिर्फ इतना है कि ये भी सिटी बस की तरह ही जो है सवारी उस बीच वाले पैच में नहीं उतारेंगे, अइमा वॉक क्रॉस करके अपनी सवारी उतार लेंगे, उसड़िया के पहले उतार लेंगे, तो शहीद पथ में कोई हमें आपत्ति नहीं है। शहीद पथ पे एक बार जब वो हमारे जोन में आ गए, स्टेडियम के 500 मीटर के जोन में आ गए, तो वहाँ हमने ऑलरेडी ब्लू कटर लगा दिया है और पुलिस ड्यूटी भी रहेगी, वहाँ हम किसी को रुकने नहीं देंगे न सवारी उतारने देंगे। इसी तरह से इनके लिए मतलब यही फोर व्हीलर का रिक्वेस्ट है, जो अर्जुनगंज से आ रहे हैं या और किसी रूट से आ रहे हैं, अपना वो PHQ के पीछे वाले रोड्स पे जाएं, वहाँ से सवारी पिक करें, वहाँ ड्रॉप करें, कोई उसमें इशू नहीं आएगा, वो अस्थायी। प्रयागराज में अयोध्या के जगतगुरु परमहंस आचार्य द्वारा दिए गए बयान को लेकर अखिल भारतीय मौर्य महासभा के गुलाब मौर्य के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने थाना प्रभारी हंडिया को लिखित तहरीर दी है और स्वामी प्रसाद मौर्य को गोली मारने वाले को 25 करोड़ रुपए इनाम देने की घोषणा की और साथ ही कहा कि अगर कोई स्वामी प्रसाद मौर्य को गोली नहीं मारेगा तो मैं खुद गोली मारूंगा। देखिए अयोध्या जी के स्वामी परमहंस जी हैं, उन्होंने माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी को अभी हाल में ही वीडियो बनाकर उन्होंने कहा था कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य को मारेगा उसको 25 करोड़ का इनाम उसके घर पहुंचा देंगे और नहीं मार पाएगा तो मैं स्वयं गोली मार दूंगा। ये भारत के लोकतंत्र में एक ये जो हमारे महंत हैं, साधु संत हैं, उनकी ये भाषा मर्यादित नहीं है और ये भारत में लोकतंत्र की आज़ादी है, अपनी अपनी बात रखने का सबको अधिकार है, उसी के तहत समाज में फैली विसंगतियों को दूर करने के लिए जो आपसी भेदभाव है, भाईचारा बना रहे, आपसी भाईचारा न मिटे, इसको देखते हुए पिछले दिनों जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी बयान दिए थे उसी बयान पर हम लोग कायम हैं और आज ये जो स्वामी परमहंस जी हैं उनके खिलाफ हम लोग भाई गुलाब मौर्य जी के नेतृत्व में आए हैं और माननीय इंस्पेक्टर महोदय से मिले हैं। आज थाना प्रभारी हड़िया ने आश्वासन दिया है कि पहले अपना आप आवेदन दीजिए, आवेदन को हम देखेंगे और उच्च अधिकारियों से बात कर प्राथमिक। श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति दल का राष्ट्रीय वार्षिक अवधेशन की बैठक अयोध्या धाम के तपस्विनी छावनी में की गई और इस बैठक का श्रीकृष्ण जन्मभूमि के राष्ट्रीय प्रमुख राजेश मणि त्रिपाठी और जगतगुरु परमहंस आचार्य के द्वारा किया गया और साथ ही इस अवधेशन में माध्यम से लोगों को संबोधित करते हुए चर्चा की गई। आगे की लड़ाई गौ रक्षा और हिंदू रक्षा आदि विषयों को लेकर कैसे लड़ा जाए और कब शुरू किया जाए इस पर चर्चा हुई। कारणी की बैठक है इस जन्मभूमि मुक्ति दल की, जिसमें दो तीन मुद्दों, हमारे पांच मुद्दे तो शुरू से चल रहे हैं, 6 दिसंबर का कार्यक्रम जिन मुद्दों को लेकर के हमने किया वो मुद्दे लगातार चल रहे हैं, लेकिन दो ऐसे मुद्दे हैं जिन पे किसी की निगाह नहीं जा रही है जो देश के लिए सबसे घातक हैं। आज मिलिट्री, हमारी जो सेना है और रेलवे के बाद अगर सबसे ज़्यादा जमीन किसी के पास है वक्फ बोर्ड के पास, और वक्फ बोर्ड में भी केवल कुछ परसेंट जो मुस्लिम जात के उच्च जात के लोग हैं उन्हीं लोगों का कब्जा है, किसी गरीब मुस्लिम को कहीं वक्फ बोर्ड की एक दुकान तक आज तक नसीब नहीं हुई है। तो ऐसे
चंद लोगों के लिए वो बोर्ड जो काम कर रहा है उस बोर्ड को तत्काल खत्म किया जाए। उसकी जो भी जमीनें हैं वो हमारे दलित भाइयों को, जो भी गरीब भाई हैं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के साथ साथ ब्रांडेड जेम्स एंड ज्वेलरी के भी शोरूम खुल रहे हैं। बता दें अयोध्या में उत्तर भारत की अग्रणी ज्वेलरी चेन एशप्रा जेम्स एंड ज्वेलर्स का उद्घाटन एशप्रा जेम्स एंड ज्वेलर्स के चेयरमैन डायरेक्टर और सीए ने किया। बता दें ज्वेलरी शॉप के उद्घाटन पर ग्राहकों के लिए विशेष छूट भी रखी गई। आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत मेरी माटी मेरा देश अमृत कलश यात्रा कार्यक्रम में संस्कृति कार्यक्रम की मनमोहक प्रस्तुति दी गई, जिसमें उपस्थित सभी लोगों की प्रशंसा और सराहना की गई। बता दें कार्यक्रम का शुभारंभ जनप्रतिनिधियों ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ किया। इस कार्यक्रम में विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों की छात्राओं ने सरस्वती वंदना और स्वागत गीत और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मनमोहक प्रस्तुति दी और साथ ही लोगों को दो लघु फिल्मों और प्रधानमंत्री का संदेश भी दिखाया। प्रयागराज में जिला कचहरी में अधिवक्ता संघ चुनाव में जमकर बवाल हो गया और इस दौरान अधिवक्ताओं ने मारपीट तोड़फोड़ की और मतदान पेटियों को सड़क पर बिखेर दिया। बता दें कि ऐसा करने से ये सभी वोट इनवैलिड माने जाएंगे। बता दें कि चुनावों को लेकर पुनः मतदान करने की प्रक्रिया को लेकर बैठक बुलाई गई है। वहीं आक्रोशित अधिवक्ता इस घटना का तीखा विरोध भी कर रहे हैं और तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से पर्चियों को, मतदान की पर्चियों को पूरी सड़क पर बिखेर दिया गया है। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।